getting a headache. Yes. चलो पहले इतना करते हैं क्योंकि इसको ना बेलने में मेहनत है बड़ी, और तो कुछ नहीं मिल गया। मैं आपकी बात भी बनाऊंगी थोड़ा। तो हमने मैदा ले लिया, इसमें हम डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा इतना दिखाऊं स्वाद अनुसार नमक, ठीक है इतना काफ़ी रहेगा, ज़्यादा ना हो जाए। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। अब हम इसको पानी से घोल लेंगे। मैंने पहले ना मैदा में जो हमने तेल नमक और अजवाइन डाला उसको अच्छे से पहले ऐसे मिक्स कर लेंगे। और इस बार पहली बार मैं इतने सारे मैदा को एक साथ यूज़ करूँ, पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी सारा, नहीं कर पाऊँगी। ये देखो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना स्टार्ट करूँगी, बीच में भी तेल है। पहली बार इतना मैदा गूंद लूँ, मुझे पता नहीं गूंदेगा नहीं गूंदेगा, बंद कर दिया। सो ये मैंने आटा गूंद लिया और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैंने इसको छोड़ दिया, मतलब छोड़ूंगी। अब इसको ढक दूंगी कपड़े से, ये देखिए इस तरह से है गिरा। 15 से 20 मिनट के बाद अब मैं हाथ पे बने लगाऊंगी। ऑयल इसमें ज़्यादा है नहीं क्योंकि मैंने कढ़ाई में रख दिया गर्म होने के लिए, तो थोड़ा सा ही चाहिए, थोड़ा सा ही ऑयल हम लेंगे, हाथ पे लगाएंगे अच्छे से। इसको वापस से थोड़ा सा नीड करेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए एकदम सॉफ्ट पे है, मेरे को यहाँ पे कुछ देख बाल रही है। तमन्ना कल पापा को प्लीज बुला ले यार, इतने में थोड़ा थोड़ा तू भी बेटे उनके हाथ दुख जाते हैं, पर बस मैं दिखा देती हूँ। कुछ समझ नहीं आता मैदा वापस क्यों आता है, तो मैं वीडियो में देखती हूँ तो उन लोगों का तो ऐसे नहीं होता। तो हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। आज हम कुछ थोड़े अलग डिज़ाइन बनाएंगे, मतलब मिक्स करके बनाएंगे, थोड़े अलग अलग बनेंगे। अभी तो पहले हमने इसको पहले प्लेन एकदम गोल बेलेंगे, ठीक है। यहाँ आपकी असली ताकत लगती है, बस ये होती है मेहनत इसको बेलना। मैं तो लिटरली हाथों में खुजली होने लग जाती है। अब थोड़ा सा मीडियम करेंगे, ब्रश से लगाऊं क्या? इसे लगाना थोड़ा थोड़ा ताकि ये चिपक जाए क्लीन। हैवी डिजाइनिंग तो नहीं कर दी मैंने, वो बैठा पड़ा है रोसे वाला। हाँ मंगवाया था ना ये, पता है मुझे समुद्र में एक वो नहीं होते हैं वो लग रहे हैं, वो नहीं है ये भी डिजाइनिंग कर रही है। मैं स्कूल में बनाना सिखाया था, मम्मा इतना छोटा आटा बहुत सख्त होता है, इतना छोटा मैं ढीला कर दिया आटा, इतना ढीला आटा। गर्मी हो रही है ना, गर्मी से हो गया ये जल्दी हो गया, देख इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, देख रही है तेल करो। अरे ये तो अंदर कच्चा होगा, तेल बहुत गर्म था, बाद में डालते हैं रुक कर उच्चा उसको निकाल लेते हैं। देखो गाइस ये ना डालते ही ऐसे नहीं होने चाहिए, 2 मिनट के अंदर तेल अभी हमारा बहुत बहुत। अरे आप तो नॉर्मल वो बना रहे हो नमक पा रहे हैं ना, अब आप इसको ऐसे से काटोगे ना आटा ही नहीं सही, आटा सही नहीं है इतना सुंदर, ये देखो आटा इतना ढीला नहीं होता, बनेगा नहीं ढंग से। अगर आटा इतना ढीला नहीं होता ना अभी तक बेल रहे होते आप, बेलेगा नहीं फिर कितनी देर तक भी। अरे बेलने की बात नहीं है, वो तो पता ही स्टिकी तो होता ही है, पर ये ढीला है इतना आटा। अच्छा स्कूल की रेसिपी आंटी को याद है अभी? डिजाइनिंग कर रही हूं मैं स्कूल में, जरा खुल जाता पूरा ऐसे से करके, लो चिपका नहीं चिपाना नहीं था, खोलना है इसको।
इतनी कम पे रहेगी, इतने कम पे चाहिए, वो मोटा है ना ये लेयर। वो कटा दिए खड़े हो अबे ये क्या हो रहा है दो को मुझे मारने भी जाती जाके ऊपर खुल जाता है वो बन गया पसीने आ गए मुझे तो बड़ी जोर से। मम्मी वाले डिजाइन दिखा दे बेंस को, ये आंटी वाले डिजाइन, ये दीदी बनाया था आंटी। हलवाई वाले कैसे दिखा तू, कैसे कैसे उठाते हैं मैंने देखा है, ऐसे ऐसे उठाते हैं हलवाई, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी रिलीज करते हैं और फिर ऐसे ऐसे उठाकर उसमें डाल देते हैं। अभी इतनी जल्दी काले कैसे हो गई, गैस तेज कर रखी है ना। वाले डिजाइन में थोड़ा कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, मेरे दिमाग में आया है। कुछ तो हो ही जाएगा गाइस, दिमाग में आया है तो कुछ तो करेंगे इंटरेस्टिंग। तो देखो इसमें मैंने क्या करा है, इसको ऐसे करा है और इसके बाद ऐसे ना मैं ऑयल लगा दूँ, थोड़ा सा मसाला डाल दूँ, नमक मिर्च दूसरे में बताऊंगी, गड़बड़ कर दी मैंने, दिमाग में कुछ और था कर कुछ और दिया, कोई नहीं ऐसे भी बना सकते हैं। बस बंद कर दे ये वाले तो ठंडे हो गए और लास्ट का जो भी कढ़ाई में भूल हैं उनकी शेप थोड़ी सी लगाएंगे, बाकी ये नॉर्मल जो ठंडे हो गए उनको मैं डाल दूँ डब्बे में और आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखो कितनी क्रिस्पी बनी है।
और एक मैंने ये डिज़ाइन बनाया है रोज़ वाले, इसमें मैंने मसाला लगाया अंदर। तो गाइज अब इस ब्लॉग को मैं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। मेक श्योर वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो वो भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट टाइम म्यूजिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।